नमस्कार दोस्तों, मैं जी सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सार्थक में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का फॉर्म कैसे फिलअप करें। जी हाँ दोस्तों, इसमें कुछ पदों के लिए वैकेंसी निकाले गए हैं जिसमें दोस्तों आप इस फॉर्म को कैसे फिलअप करें। तो सबसे पहले दोस्तों इसके लिए मैं बता दूँ कि सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल सार्थक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी नए अपडेट आए वो सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेन बात है दोस्तों, इसकी जो ऑफिशियल साइट है उस पर आपको लॉग आ जाना है और आने के बाद दोस्तों एक ऑप्शन शो हो रहा होगा इस तरीके का, सेलेक्ट पोस्ट नेम। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे समीक्षा अधिकारी, इसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कन्फर्म ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ फिलअप करके रजिस्ट्रेशन कर लें। जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो कुछ आपको इस तरीके का ये इस स्टेप में फॉर्म को फिलअप करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर यूज़र नेम और पासवर्ड जो है आपको स्क्रीन पे आएगा और आपके मोबाइल और पे सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद अप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, उसके बाद दोस्तों अपलोड फोटो और सिग्नेचर, उसके बाद फीस पेमेंट करनी। तो दोस्तों इसके लिए सबसे मेन बात है, सबसे पहले इसको फिलअप करके मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड शो होने लगेगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है दोस्तों इसको आप नोट कर लें क्योंकि दोस्तों इसी से आप लॉगिन और आगे का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिलअप करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप वहाँ से लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको पिता का नाम, आपका नाम सोने लगा, पिता का नाम, माता का नाम और क्या कहते हैं अल्टरनेट मोबाइल नंबर, जेंडर और टोटल एज, ये सब आपको शो होने लगेगा। आपका स्टेट पूछेगा किस स्टेट से है, फीस अमाउंट आपको दिखा रहा है दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैं इसको फिलअप करता हूँ और आप इसी तरीके से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप इसमें पूरा फिलअप कर देंगे तो जैसे मेन बात है दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे जैसे कि डोमिसाइल किस स्टेट से हैं तो इसमें दोस्तों एक उत्तर प्रदेश का ही ऑप्शन है जिसमें आप जनरल ओबीसी एसटी एससी का लाभ ले सकते हैं। बट अगर दोस्तों किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं अदर स्टेट से हूँ तो मैं इसमें अदर देन उत्तर प्रदेश दिखाएगा उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने का दोस्तों आपको ऑलरेडी यहाँ पे कैटेगरी है जो वो जनरल में आप आ जाएंगे और जस्ट उसी का जो फीस क्राइटेरिया है वो नीचे आपको फीस अमाउंट शो होने लगेगा। और आप नेशनलिटी पूछेगा तो आप भारतीय हैं कि अदर कंट्री से हैं तो आप उसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अनमैरिड हैं कि मैरिड हैं इसको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर दें। जैसे नेक्स्ट करेंगे आप दोस्तों तो ये आपको कुछ इस तरीके का पूछेगा जो कि आपकी एड्रेस पूछेगा। एड्रेस पूछने के बाद दोस्तों अगर आपका एड्रेस जो ऊपर में सेम हो तो यहाँ पे आपको नीचे बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट कर दें। जैसे नेक्स्ट करेंगे इसको फिलअप करते हैं दोस्तों सब डिटेल। अब दोस्तों जैसे ही आप इसमें फिलअप कर देंगे तो इसके बाद आप दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे नेक्स्ट करेंगे दोस्तों इसमें आपको हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, बारहवीं और ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन पूछेगा। उसके बाद दोस्तों आप क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर के बहुत सारे डिटेल इसमें पूछेगा दोस्तों। उसका दोस्तों आप फिर से नेक्स्ट कर दें तो इसको फिलअप कर लें पहले, फिर उसके बाद आगे का वीडियो बताते हैं। तो दोस्तों जैसे इसको पूरी जानकारी फिलअप करने के बाद अपने क्वालिफिकेशन के बाद दोस्तों इसमें आपसे पूछेगा क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर का अगर है तो इसको जो है तो इसमें से चार ऑप्शन में से कुछ भी एक सेलेक्ट कर लें दोस्तों, तीन ऑप्शन में से। और इसमें से आपसे पूछ रहा है कि आपकी सर्विस टर्मिन आर्मी में मिनिमम 2 साल आप जॉब किए हैं, तो अगर किए हैं तो यस कर दो वरना नो कर दें। बी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप इसमें पूछेगा कि क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं तो अगर है तो यस कर दो वरना नो कर दें। क्रिमिनल कंप्लेन है कि आपके ऊपर तो है तो यस कर दो वरना नो कर दो। उसके बाद दोस्तों एक जो जानकारी आपसे पूछ रहे इसमें दोस्तों अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ किसी कोर्ट में हैं तो यस कर दो वरना नो कर दें, फिर इसके आगे नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट पे जैसे फिलअप करेगा तो आपसे फ़ोटो और साइन पूछेगा दोस्तों। फ़ोटो की जो साइज होनी चाहिए 80 KB की होनी चाहिए और सिग्नेचर की जो साइज होना चाहिए 50 KB होना चाहिए, वो भी JPG फॉर्मेट। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कर दें।
दोस्तों जैसे ही आप उसको नेक्स्ट कर देंगे, अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करवा, तो एक रिव्यू का ऑप्शन आएगा। रिव्यू में आप पूरी जानकारी चेक कर लें। उसके बाद दोस्तों आई एग्री पे क्लिक कर, अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई करो, वरना सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि क्या आप श्योर कंटिन्यू, मतलब आप क्या करते हैं दोस्तों इसको सेव करना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद दोस्तों आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो अगर करना चाहते हैं तो ओके पे क्लिक करें और ये आपको ले जाएगा पेमेंट करने के लिए। तो जैसे ये कुछ इस तरीके का खुलेगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप सबमिट एप्लीकेशन, तो जैसे दिखा रहा है दोस्तों दोस्तों ये दिखा रहा है कि नेक्स्ट अब 24 घंटे बाद आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अच्छी को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि हमारे चैनल पे जो भी नए अपडेट आए सबसे पहले आपको मिले।